अभी नगर निगम उपायुक्त साहब को भाजपा पार्षद दल के तरफ से ज्ञापन दे के आ रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव दो चीज़ों को लेकर के फेमस है, हॉकी और झांकी। परसों से जो है गणेशोत्सव का पर्व चालू हो रहा है और आप शहर में जब घूमने जाओगे तो देखोगे कि शहर के सड़कें बहुत जगह से जो है गड्ढे हो गई है, टूटी हुई है। हमारी मांग है कि झांकी निकलने से पहले सड़कों की जो है अच्छे से मरम्मत की जाए। जैसे अभी बरसात में डस्ट डाल दिया गया था, डस्ट ना डाला जाए, मरम्मत मतलब मरम्मत होना चाहिए। डामर रोड है तो आप डामर डाल करके उसको मरम्मत करवाइए। कंक्रीट रोड है तो थोड़ा सा कंक्रीट करते हैं तो कम से कम दो दिन उसमें गाड़ी न चल सके इतनी व्यवस्था करें, ताकि जो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है झांकी देखने के लिए रात में, यदि मरम्मत नहीं किया जाता है तो गड्ढे में पैर घुस करके कि उनको चोटिल होने का, जो दर्शक आएंगे उनके चोटिल होने की संभावना है। झांकी उस रोड से गुजरेगी तो झांकी तो ऊपर ध्यान रहता है, लोगों का ध्यान झांकी में रहता है, लेकिन गड्ढे में जब जाएंगे तो झांकियों को भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। अभी नगर निगम उपायुक्त साहब को भाजपा पार्षद दल के तरफ से ज्ञापन दे के आ रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव दो चीज़ों को लेकर के फेमस है, हॉकी और झांकी। परसों से जो है गणेशोत्सव का पर्व चालू हो रहा है और आप शहर में जब घूमने जाओगे तो देखोगे कि शहर के सड़कें बहुत जगह से जो है गड्ढे हो गई है, टूटी हुई है। तो हमारी मांग है कि झांकी निकलने से पहले सड़कों की जो है अच्छे से मरम्मत की जाए। जैसे अभी बरसात में डस्ट डाल दिया गया था, डस्ट ना डाला जाए, मरम्मत मतलब मरम्मत होना चाहिए। डामर रोड है तो आप डामर डाल करके उसको मरम्मत करवाइए। कंक्रीट रोड है तो थोड़ा सा कंक्रीट करते हैं तो कम से कम दो दिन उसमें गाड़ी न चल सके इतनी व्यवस्था करें, ताकि जो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है झांकी देखने के लिए रात में, यदि मरम्मत नहीं किया जाता है तो गड्ढे में पैर घुस करके कि उनको चोटिल होने का, जो दर्शक आएंगे उनके चोटिल होने की संभावना है। झांकी उस रोड से गुजरेगी तो झांकी तो ऊपर ध्यान रहता है, लोगों का ध्यान झांकी में रहता है, लेकिन गड्ढे में जब जाएंगे तो झांकियों को भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इसी के साथ साथ एक और विषय है, शहर के लगभग सभी वार्डों में और प्रमुख चौक चौराहों की लाइटें आज के तारीख में जो है बंद है, तो उनको भी, क्योंकि गणेशोत्सव अभी कल तीजा है, तीजा से लेकर के गणेशोत्सव, उसके बाद में फिर दुर्गा दिवाली, ऐसा करके लगातार त्यौहार है। तो इस त्यौहार के सीज़न में जब लोग अपने घर के सामने प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, उजाला करते हैं, और नगर निगम इतनी निर्भीक हो गई है कि बंद हुए लाइटों को जलाने के लिए भी कदम नहीं उठा पा रही, तो हमारी मांग है कि शीघ्र इन दोनों चीज़ों को जो है निराकरण किया जाए। लाइट और सड़क की मरम्मत शीघ्र से शीघ्र जो है शहर की ठीक होनी चाहिए। है नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, और वो दर्शाता है कि राजनांदगांव को लेकर के कितने गंभीर है। सारासी स्वीकृत होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन मंत्री जी को यदि हमने पत्र लिखे हैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो पत्र के जवाब में जो जानकारी यहाँ हमें उपलब्ध करा सकते थे, उपलब्ध कराना चाहिए था, अभी तक के प्राप्त नहीं हुए। यदि जानकारी आएगी तो आप सबको अवगत कराया जाएगा। किशुन यदु, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष और पूरा पार्षद दल है।